class 1 लेसन इलेवन एयर अराउंड अस इसके पहले हम देख लिए थे कि एयर हमारे चारों तरफ पाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि एयर की वजह से हम सांस लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं हम एयर को देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं और कब महसूस करते हैं जब हवा चलती है तो हमें महसूस होती है आज हम देखेंगे लिविंग थिंग नीड एयर जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हवा की ज़रूरत होती है आज हम इस टॉपिक को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट नीड एयर टू ब्रीथ प्लांट्स को एयर की ज़रूरत रहती है किस लिए सांस लेने के लिए अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है जिससे हमें पता चल जाएगा किस तरीके से प्लांट को हवा की जरूरत रहती है तो चलिए ये एक्टिविटी को ध्यान से सुनिए टेक टू पॉटेड प्लांट हमें दो प्लांट ले लेने हैं यान, यानी हम क्या ले सकते हैं दो गमले ले सकते हैं जिसमें प्लांट लगे हों मार्क ए एंड बी हमें दो गमले ले लेने हैं उसके बाद एक पे ए लिख देना है और दूसरे पर बी लिख देना है पुट ए ग्लास जार ऑन ए प्लांट बी उसके बाद क्या करना है कि हमें हमें एक ग्लास का कोई भी ग्लास की हमें एक ग्लास ले लेना है या जार ले लेना है जो किस चीज का बनाओ शीशे का बनाओ और जो प्लांट बी है हमारा हमें उसके ऊपर इस तरह इन्वर्ट करके रख देना है यानी उल्टा करके जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है हमें इस तरीके से रख देना है सी द प्लांट आफ्टर टू डेज उसके बाद हमें दो दिन तक ऐसे ही छोड़ देना है और दो दिन बाद हमें उस गमले को वापस से ऑब्जर्व करना है देखना है यू विल सी डेट प्लांट ए इज फ्रेश एंड हैज ग्रोन तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्लांट ए था हम, हमारा था जिसको हम नहीं ढके थे ग्लास से वो एकदम फ्रेश है और बड़ा हो रहा है ग्रो कर रहा है प्लांट बी हैज डाइड एज इट डिड नॉट गेट एयर और जो प्लांट बी था उसको एयर नहीं मिला क्योंकि जब हम उसमें ऊपर से उसमें जार रख दिए तो उसके अंदर कोई एयर नहीं गया तो इसकी वजह से वो प्लांट बी क्या हुआ प्लांट बी था वह सूख गया और ख़राब हो गया तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि प्लांट को जो हवा की ज़रूरत पड़ती है किस लिए सांस लेने के लिए उनको ग्रो करने के लिए ओके एनिमल नीड ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ साथ ही साथ जानवरों को भी ज़रूरत पड़ती है हवा की ज़िंदा रहने के लिए या सांस लेने के लिए यहाँ पे एक दिया डेबीज टाइम उसको भी देख लीजिए फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स ब्रीथ किसके थ्रू सांस लेती हैं गिल्स के थ्रू दे टेक इन द एयर प्रेजेंट इन वाटर ये इस कैसे करती हैं जो भी एयर वाटर में प्रेजेंट होता है ये उसके थ्रू सांस लेती हैं तो इस तरीके से आज हम देखें कि लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है इस पे बेस हम एक प्रैक्टिकल देखें जिससे हमें यह क्लियर हो गया कि प्लांट को एयर की ज़रूरत रहती है बिना एयर के प्लांट जिंदा नहीं रह सकता और साथ ही साथ ये भी हम जाने कि उस उसी तरीके से एनिमल्स को भी कोई भी एनिमल्स हो चाहे वो वाटर एनिमल हो जमीन पर रहने वाले एनिमल यानी कोई भी एनिमल हो हम सभी को एयर की ज़रूरत है इसके बाद हम देखेंगे एयर फिल्स, एयर स्पेस एंड हैजबेद इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आज के लिए इतना ही, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा थैंक यू